हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रिज की जो पीछे कई बार पानी जो है नीचे से बहते हुए आता है, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रिज को पीछे कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। यहाँ कंप्रेसर के ऊपर एक प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें पानी स्टोर होता है। कई बार ट्रे ख़राब हो जाती है और जब देखते हैं कि जब यहाँ पर ट्रे नहीं लगी है तो फ्रिज जब पानी बनाता है उस समय पानी डायरेक्ट यहीं पे गिरती है और पूरी फर्शी पे फैल जाता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें सिंपल सा एक पाइप का टुकड़ा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से ये पानी आएगा उस पाइप में यहाँ पर हम इस पाइप को जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक बर्तन रख देंगे जिससे जब ये पानी बनाएगा तो पाइप के थ्रू जो पानी है बर्तन में स्टोर हो जाएगा और हम उसको फिक्स सकेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम इसकी जो पानी वाली समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।